वित्त मंत्री जी, आप सदन के नेता भी हैं। मैंने कहा मैं जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार यील्ड करूंगी और आपकी बात को ध्यान से सुनूंगी भी। लेकिन आप जिन फिगर्स की बात कर रहे हैं ना, मैंने कहा मैं पुराने फिगर्स नहीं दे रही। मेरा बिल 3 तारीख का है और आज 8 तारीख है। मैं 5 दिन पहले जो राशन खरीद कर लाई हूँ, जो राशन मेरे अपने घर में आया है, कितने पैसे देकर आया है, मैं वो आंकड़े रख रही हूँ। आपको अधिकारी क्या आंकड़े देते हैं परसेंटेज में, वो मुझे नहीं मालूम। प्लीज प्लीज, फीसदी की भाषा आम आदमी नहीं समझता। आम आदमी केवल वो भाषा समझता है कि उसकी जेब से क्या निकल रहा है। आम आदमी वो भाषा समझता है कि उसकी जेब से क्या निकल रहा है और उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है। ये मेरे घर का बिल है 3 तारीख का, 5 दिन पहले का। आप 6.6 क्या सेलिब्रेट करिए, सरकार में जश्न मनाइए 6.6 का, लेकिन आम आदमी का जहाँ तक सवाल है, आम आदमी को कोई राहत महंगाई से नहीं मिली है। ये 3 तारीख के आंकड़े में दे रही हूँ, जो मेरे घर के राशन का बिल है, जो मेरे घर के दूध का बिल है, जो मेरे घर की सब्जियों का बिल है। दूध ये रिकॉर्ड तो नहीं जाएगा। और आपने मुझे एक आपने मुझे चुनौती देकर कहा कि 6 साल आप भी थे, आपने क्या किया ये मैं जानता हूँ, जो हमने किया वो पूरी जनता जानती है। प्रणवदा, मैं आज गर्व से कह सकती हूँ, मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि 2 सरकारें आई हैं हिंदुस्तान में जो कांग्रेस के समर्थन के बिना बनी थी, एक मोरारजी देसाई की और एक अटल बिहारी वाजपेयी की। 1977 में मोरारजी देसाई की और 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की। 6 साल तक कीमतें स्थिर रही थी, चीजें बाजार में उपलब्ध रही थी, कभी ना कीमतें बढ़ी थी। वो 2001 का तो दे रहे थे ना आंकड़ा, वो 2001 में हमारा राज था, वो 2001 का आंकड़ा जो दे रहे थे। पर वो क्यों था, वो क्यों था ये भी बता दूं कि हमारे समय के वित्त मंत्री फीसदी में बात नहीं करते थे। पीछे बैठे हैं जसवंत सिंह जी, जिस समय बजट पेश करने आए थे लोगों ने पूछा था पत्रकारों ने, आप क्या देंगे बजट में, तो उन्होंने कहा था मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि गृहिणी की गुथली में 4 आना और डाल सकूं तो मैं समझूंगा कि मेरा बजट सफल होगा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड नहीं समझा सकते प्रणवदा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को वो समझा सकता है जो गुथली कहकर के बात करता है, जो टुकिया कहकर के बात करता है। जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, वो हार्वर्डियन से ज्यादा बेहतर अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, लेकिन जो गांव की धरती में लोटपोट कर बड़े हुए हैं, जिन्होंने गांव की अर्थव्यवस्था को समझा है, जिन्होंने गांव की औरत की पीड़ा को जाना है, वो ये कह सका कि मैं गुथली में 4 आना और डाल दूं तो मैं समझूंगा कि मैंने बजट पेश किया है। फीसदी की भाषा बोलने वाले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नहीं समझ सकते और उसका समाधान भी नहीं दे सकते। इसलिए आप मेरी बात को सुनिए और उसका जवाब उस समय जरूर दीजिए जिस समय आपको देना, बीच में भी देना चाहेंगे तो मैं यील्ड करूंगी। आप नेता सदन हैं और नेता सदन के प्रति मेरा जो सम्मान है मैं उसमें यील्ड करूंगी। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रही थी कि आप जिन राइजिंग लेवल्स की बात कर रहे हैं, ये ठीक है कुछ लोगों की इनकम इतनी राइज की होगी कि वो 2000 रुपये पर प्लेट 5 सितारा होटल में जाके खा सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी निगाह उन रेड़ी वालों के प्रति, उन ठेरी वालों के प्रति, उन छाबड़ी वालों के प्रति भी जाए जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने दोनों हाथ, अपने दोनों पांव और अपना गला एक साथ थकाते हैं। मैं आज खड़ी हुई सदन में उनके लिए बोलने को। मैं उस फेरी वाले को देखकर मेरे कलेजे में टीस उठती है प्रणवदा। सर्दी में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, हाथ कोट की जेब से निकालने को मन नहीं करता, उस समय बर्फ जैसी ठंडी साइकिल के हैंडल दोनों हाथ से पकड़े हुए, दोनों पांवों से पैडल मारता हुआ वो मोहल्ला मोहल्ला कबाड़ी कबाड़ी कहकर चिल्लाता है, मैं उसके लिए खड़ी हुई हूँ। मैं खड़ी हुई उस रेड़ी वाले के लिए जो तपते दोपहरी में
जब बाहर झांकने को मन नहीं करता, दोनों हाथों से रेड़ा धकेलता हुआ बीसों किलोमीटर का सफर करते हुए ऊंची ऊंची आवाज लगाकर अपने ग्राहकों को बुलाता है। मैं खड़ी हुई हूँ उस छाबड़ी वाले के लिए जिसके अधेड़ कंधों पर, दोनों कंधों पर बहंगी उठाए हुए चना, मूंगफली और मक्का की खीर लेकर जो ऊंची ऊंची आवाज में अपने बाल ग्राहकों को बुलाता है। मैं पूछना चाहती हूँ देश के वित्त मंत्री से, क्या उनकी आमदनी में एक रुपए का भी इजाफा हुआ? क्या उनकी आमदनी में एक रुपए की भी बढ़ोतरी हुई है? बल्कि जो कुछ उनके पास बचा कुचाता वो भी महंगाई की भेंट चढ़ गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो आप बार बार ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं विद राइजिंग लेवल्स ऑफ इनकम, ये किनकी आमदनी बढ़ी है? आप जरा उनकी तरफ भी एक निगाह डालिए जिनकी आमदनी में एक रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई। मैडम, महंगाई के ऊपर संतुष्ट? मैडम, महंगाई के ऊपर इस सदन में यह चर्चा शायद 12वीं चर्चा है पिछले 7 वर्ष। लगभग हर सेशन में महंगाई के ऊपर चर्चा होती रही है किसी न किसी नियम के अंतर्गत। और जैसा मैंने अपने प्रस्ताव में कहा है, कैसे लगता है जैसे चर्चा हुई, बात आई, बात गई, उसका असर कहीं देखने को नहीं मिला, उसका असर देखने को नहीं मिला। और इसीलिए इस बार का जो प्रस्ताव है उसमें यह साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि दिस हाउस कॉल्स अपॉन द गवर्नमेंट टू टेक इमीडिएट इफेक्टिव स्टेप्स टू चेक इन्फ्लेशन दैट विल गिव रिलीफ टू द कॉमन मैन। यानी कि सरकार इस बार की चर्चा के बाद जरूर ऐसे कदम उठाएगी जिससे आम आदमी को महंगाई की मार से राहत मिलेगी। और मैं गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूं मैडम कि यह सदन केवल एक टॉकिंग शॉप नहीं है। हम सिर्फ यहां पर आकर अपनी बात रख दें, उधर की बात सुन लें, ये तो स्कूल के डिबेट में भी होता है। यह सदन स्कूल का डिबेट करने के लिए नहीं है, यह सदन सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए है
कि सरकार इस सदन की आवाज सुने, सरकार यहां जो सुझाव दिए जाते हैं उस पर अमल करे और सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई करे। और इसीलिए मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि हम ये चर्चा करेंगे आज, रूल 184 में चर्चा हो रही है, उसके बाद इस पर मतदान होगा। लेकिन मैं आशा करूंगा कि इस चर्चा के बाद ये जो हम मानसून सत्र में चर्चा करेंगे और फिर जब हम अगली बार मिलेंगे विंटर सेशन में, शीतकालीन सत्र में, तो उस समय सरकार ये सुनिश्चित करे कि दोबारा महंगाई के ऊपर इस सदन में चर्चा करने की आवश्यकता हो ही नहीं, यानी कि महंगाई के ऊपर निश्चित रूप से नियंत्रण आया जाएगा। और खास तौर पर जो खाद्यान्नों की महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन, रसोई में आग लग गई। अब कोई कहे कि रसोई में आग नहीं जलेगी तो खाना कैसे बनेगा, इसलिए रसोई में आग तो जलेगा, आग जलने और आग लगने में अंतर है, क्योंकि आज गृहिणी आग जला नहीं रही है, उसकी रसोई ही जल गई। महंगाई आज इतनी हो गई है कि रोटी, कपड़ा और मकान सबकी दिक्कत है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, गैस देखिए आप कितनी, 400 रुपए और बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए हमें ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए ऐसी सरकार। भाई सरकार को तो मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि महंगाई बढ़ाने से पहले कुछ बिजनेस को भी तो आगे ले चले, फिर बिजनेस में जब कुछ बढ़ेगा तभी अपना महंगाई बढ़ाए। अब पेट्रोल का रेट भी है, बढ़ जाता है, कभी गैस का रेट बढ़ जाता है, तो कस्टमर्स को तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको तो बढ़ाने से मतलब है, ये देखते नहीं कि पीछे किसके साथ कैसे क्या चीज़ चल रही है। अगर इस चीज़ को लेके चलेंगे तो हर आदमी, हर नागरिक को सुविधा हो जाएगी, अपने तरीके से वो हर चीज़ हैंडल कर सकता है। जब अचानक महंगाई बढ़ती है तो हैंडल नहीं कर पाता है भाई, किसी की आमदनी 5,000 रुपये है जैसे, और खर्चा 10,000 का है, तो कहाँ से अप्लाई कर पाएगा वो। यही चीज़ है, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कहने का कि उसको हर तरीके से सोच विचार के अपना तरीका जैसे वो चाहें करें, उसके लिए नागरिक मना नहीं करता है, बट सोचे पहले, करने से पहले कि मुझे कैसे क्या चीज़ करना है। जो आम जनता है उसके लिए तो बहुत ही असर होता है, और मेरे ख्याल से इस पर भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इंसान का सारा बजट बिगड़ जाता है और हर चीज़ में, हर चीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि समझ में नहीं आता कि इंसान उसको कैसे मैनेज करे। तो इस ओर हमारी सरकार को बहुत ही अच्छी तरह से सोचना चाहिए। नाम बताइए। राकेश अग्रवाल। राकेश जी, आए दिन ये जो महंगाई बढ़ रही है, इससे आपके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बिजनेस के ऊपर में महंगाई की वजह से ग्राहक कम आता है, सामान की खरीदारी, जो खरीदारी आदमी आज से 10 साल 5 साल पहले कोई 10 किलो सामान खरीदता था, वो 3 किलो 4 किलो में लेकर के घर चलाता है,
परेशान है आदमी। और तो क्या, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसमें लोग जो आ रहे हैं उनके पास पैसे उतने ही मिल रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं तो फिर महंगाई ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उनके खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं, इसकी वजह से उनको टैक्स भी दे रहे हैं। ये जो टैक्स पॉलिसी है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? टैक्स तो ये इसमें मतलब जितना भी ले रहे हैं, जितना आ रहा है आपको चार्ज, उस पर हर एक पे बढ़ता जा रहा है परसेंटेज, तो धीरे धीरे एक चीज अगर कम की है तो बहुत महंगा दे रहे हैं। पहले नाम बताइए अपना। विश्राम। विश्राम जी, एक बात बताइए, ये जो महंगाई हो रही है इससे आपको कितनी परेशानी होती है? परेशानी बहुत है बाबू जी, 6-7 आदमी का परिवार चलाना, ये ठेलिया की बजौले, वो भी पुलिस वाले कहते हैं इधर हटाओ उधर हटाओ, ले जाने में परेशानी होता है, माल गिर जाता है, इधर उधर नुकसान हो जाता है हमारा, और क्या बताएं बाबू जी, बहुत परेशानी।